गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर की टैक्सेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके आज फोर्थ हमारी क्लास है। अभी तक हमने टैक्स के बारे में जाना, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स को समझा। हमने इनडायरेक्ट टैक्स में समझा कि कस्टम्स ड्यूटी और जीएसटी, ये दो तरीके के टैक्स हमें पढ़ने हैं। उसमें से कस्टम्स ड्यूटी हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं। कस्टम्स ड्यूटी के बेसिक्स हमने समझे, वहाँ वैल्यूएशन कैसे होता है गुड्स का, उन चीज़ों को हमने समझा है। आज हम कस्टम्स ड्यूटी के हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर नंबर 7, कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क की गणना किस तरीके से की जाएगी। तो सबसे पहले अभी हमने जब वैल्यूएशन ऑफ गुड्स वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ हमने क्या फाइंड आउट किया था, असेसेबल वैल्यू फाइंड आउट की थी, शुल्क योग्य मूल्य ज्ञात किया था। जो तब हमारे पास शुल्क योग्य मूल्य आ गया था, अब हमें उस पर शुल्क की गणना करनी है। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास अमाउंट आ गई कि ये 10 लाख 20 लाख जो भी रुपए है, उस पर आपको क्या करना है, कस्टम्स ड्यूटी की कैलकुलेशन करनी है। तो कस्टम्स ड्यूटी की कैलकुलेशन करने से पहले हमें समझना होगा कि कस्टम्स ड्यूटी किस किस नाम से लगती है, कौन कौन से तरीके की आपकी कस्टम्स ड्यूटी चार्ज होती है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जीएसटी आने के बाद इसमें भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जब से हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एक्ट आया है, उसके बाद से कस्टम्स ड्यूटी के प्रोविजंस में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। ये जो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, ये उन गुड्स के लिए हैं जिन पर जीएसटी लागू नहीं होती है। कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, कौन से गुड्स हैं, क्यों रखा गया है बाहर, ये सारी चीज़ें हम जीएसटी पढ़ेंगे ना, तब उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ गुड्स ऐसे हैं कुछ जिनको कि जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, तो उन पर अभी भी क्या चलेगा, ये पुराना वाला सिस्टम चलेगा और इसी हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन भी होगा। समझते हैं कि कौन कौन से टैक्स चार्ज होते हैं कस्टम्स ड्यूटी के अंदर। तो पहले हम इन चार टाइप जो है टैक्स के उनको समझ लेते हैं, फिर हम अपने स्टेटमेंट पर आएंगे। सबसे पहला मैंने लिखा है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, इसको शॉर्ट में हम कहेंगे बीसीडी, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। हिंदी में हम इसको कहते हैं आधारभूत सीमा शुल्क। क्या होता है कि जो भी गुड्स इंडिया में परचेज़ किए जाएंगे, इम्पोर्ट किए जाएंगे, उन सभी गुड्स पर एक कॉमन टैक्स तो है जो चार्ज होगा ही होगा, चाहे जीएसटी लगता है चाहे जीएसटी नहीं लगता है। और वो टैक्स कौन सा है, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, आधारभूत सीमा शुल्क। मतलब ये तो बेसिक है, लगना ही है। अब ये किस रेट से लगता है, क्या टैक्स की रेट रहेगी, तो काफ़ी अलग अलग रेट से अलग अलग गुड्स पर लगाया जाता है, 10%, 5%, 12.5%, 25%, और कुछ गुड्स के केस में तो ये 100% भी लगता है। तो हमें क्या करना है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर रेट दे रखी होगी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी की, उस रेट को अप्लाई करना है हमें, और उसके हिसाब से हमें अपनी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी की कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि असेसिबल वैल्यू मान लो 5 लाख रुपए हैं, और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% यहाँ पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है, तो क्या कर लेंगे, उस असेसिबल वैल्यू का 10% हमारी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 50,000 रुपए आ जाएगी, 5 लाख का 10%। तो इसी तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेंगे बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के दिन। फर्स्ट टैक्स हमारा किस नाम से लगेगा, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी आधारभूत सीमा शुल्क। सेकेंड आती है एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। एडिशनल ड्यूटी, अतिरिक्त शुल्क। अतिरिक्त शुल्क का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे कि ये शुल्क लगता किस वस्तु पर है। तो ये उन गुड्स पर लगता है जो कि इम्पोर्ट की जा रही है, लेकिन वैसी ही, ठीक वैसी ही वस्तु हमारे देश में भी उत्पादित हो रही है। अब क्या होता है, मान लो कि मार्कर है, ये मार्कर हमारे देश में भी बनता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे क्या कर रहे हैं, फॉरेन से खरीद रहे हैं, क्योंकि वहाँ से वो इन्हें कम कॉस्ट में पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अपने देश की वस्तुओं को छोड़कर अगर आप फॉरेन से इम्पोर्ट कर रहे हो तो नुकसान है हमारे देश का, इम्पोर्ट कर रहे हो आप तो नुकसान हमारे देश का। इससे बेटर क्या होगा कि आप अपने देश की चीज़ों को, अपने देश की चीज़ों का उपभोग करिए। तो इसको उसके कंपैरिजन में बराबर लाने के लिए, या फिर उसको और ज़्यादा महंगा बना देने के लिए, गवर्नमेंट ऐसे वो प्रोडक्ट जो कि इंडिया में बन रहे फिर भी उसके जैसे प्रोडक्ट्स बाहर से इम्पोर्ट किए जा रहे, तो वो इम्पोर्ट किए जाने वाले गुड्स पर एडिशनल टैक्स चार्ज करती है, ताकि वो गुड्स इसके कंपैरिजन में या तो महंगे हो जाए या फिर इसके बराबर हो जाए, ताकि इंडिया में किसी भी तरीके से रिवेन्यू का हमें लॉस नहीं हो। तो क्या होगा, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी जो है कि एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 उन गुड्स पर लगाई जाती है, उन माल पर लगाई जाती है जैसा सेम माल या उसी के प्रकार गुणों वाला दूसरा माल भारत में भी उत्पादित होता है, फिर भी उसका आयात हो रहा है, तो उसके आयात को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए ये टैक्स लगाया जाता है। प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन वाला भाव आ जाता है यहाँ पर, तो इसलिए इसको काउंटर वैलिंग ड्यूटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, प्रतिस
प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उन गुड्स, दोनों तरीके के गुड्स को प्रतिस्पर्धा में लाकर रख देता है। तो एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी को हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और इन शॉर्ट हम इसे CVD काउंटर वेलिंग ड्यूटी के नाम से हम अपने फॉर्मेट के इसको अंदर इसको लिखेंगे। देन काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? उन गुड्स पर लगती है जैसे सेम गुड्स इंडिया में भी इम्पोर्ट, इंडिया में भी प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, फिर भी उनको बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है। तो ये लगेगी CVD, किस अमाउंट पर लगेगी, क्या लगेगी, वो हम अपने फॉर्मेट में पढ़ेंगे। CVD की रेट्स भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। उसके बाद एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, तो ये भी एडिशनल ड्यूटी थी, ये भी एडिशनल ड्यूटी, ये अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 था, यहाँ सबसेक्शन 5 है। उसको हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी CVD कहते थे, इसको स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहेंगे, स्पेशल CVD या फिर SCVD कहा जाएगा। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि इंडिया में इम्पोर्ट होते हैं, लेकिन इंडिया में इम्पोर्ट भी हो रहे हैं और इंडिया में प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, तो उन पर तो आपने CVD चार्ज कर दिया। पर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा का भाव बहुत अधिक होता है, परिवहन पर लगने वाले कर, और इन सारे करों को संतुलित करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ गुड्स के ऊपर स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी चार्ज कर देती है, ताकि इंडिया में बनने वाले जो गुड्स है ना, मान लो कि इंडिया में मार्कर बन रहा है, एक ही जगह पर बनता है लेकिन पूरे इंडिया में इसकी नीड होती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, देन ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और ये सब कि इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फॉरेन से खरीदने पर ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो वैसे ही कम होगी, तो इसके कंपैरिजन में तो वो कम ही रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर और एडिशनल ड्यूटी चार्ज कर देती है, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी चार्ज कर देती है, और वो किस सेक्शन में लगती है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 यानी कि धारा 3 उपधारा 5 के तहत एक जो टैक्स लगाया जाता है उसे स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहा जाता है। रेट के बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, रेट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। अदरवाइज जो स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी है ना, वो 4% की रेट से लगती है, लगभग सब पर ये 4% की दर से लगाई जाती है। क्वेश्चन के अंदर अगर स्पेशल काउंटर वेलिंग की ड्यूटी की इन्फॉर्मेशन गिवन है देन वो आप चार्ज करो, नहीं गिवन है तो भी आपको 4% चार्ज करना है। क्वेश्चन में बोल दिया कि ये माल जो है सबसेक्शन आपके सबसेक्शन 5 वाला जो टैक्स है उसके लिए एग्जेम्प्ट रखा गया है, उस कर का ध्यान नहीं रखना है, उस कर से इस माल को मुक्त रखा गया, तो हम SCVD चार्ज नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर CVD चार्ज हुई है तो SCVD भी चार्ज होगा ही होगा, जब तक क्वेश्चन में क्लियरली इसके लिए मना नहीं कर दिया जाए। रेट तो रेट अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो ओके, नहीं दे रखी है तो हम SCVD 4% की रेट से चार्ज करेंगे। स्टॉप, इस पॉइंट को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। लास्ट है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सामाजिक कल्याण अधिभार। क्या होता है सरचार्ज का मतलब समझने की कोशिश करना है, ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, टैक्स पर भी टैक्स लगने वाली चीज़ होती है, उसको सरचार्ज हम लोग कह देते हैं। सरचार्ज में होता ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सामाजिक कल्याण अधिभार, नाम से ही समझ में आ रहा है कि समाज के और उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोई टैक्स चार्ज किया या कोई टैक्स जो है वो जनता पर लागू किया है। तो ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इसकी जो भी अमाउंट होती है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, सामाजिक कल्याण के लिए किया जाएगा। अब ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो किस रेट से लगता है, तो जनरली लगभग सब गुड्स पर इसकी रेट 10% है, लेकिन गोल्ड सिल्वर इन कुछ चीज़ों पर इसकी रेट 3% भी है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखी है कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज किस किस पर किस रेट से लगता है। मेनली आपको यही ध्यान रखना है कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज की एक जनरल रेट जो है वो है 10%। तो क्वेश्चन में इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो देन तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% की रेट से चार्ज करना है। और अगर क्वेश्चन के अंदर गोल्ड सिल्वर वाली इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो वहाँ पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितनी रेट से चार्ज होगा, 3% की रेट से चार्ज होगा। इसका उपयोग किस में किया जाएगा, उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। तो ये चार तरीके के टैक्स लगते हैं, फर्स्ट बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, सेकेंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, उसके बाद एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, इसको हम कहते हैं स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंड द लास्ट वन सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो ये चारों तरीके के टैक्स होते हैं, इनको हमने समझा, इनका मीनिंग हमने समझा। अब हम आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट पर कि हम कैलकुलेशन या करेंगे कैसे, कस्टम्स ड्यूटी फाइंड आउट कैसे करनी है। तो हम ये स्टेटमेंट हमारा जो है लगभग इसी फॉर्मेट में बनेगा। ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, असेसिबल वैल्यू। असेसिबल वैल्यू आएगी कहाँ से, तो हमने पढ़ा है ना वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, बस वही फॉर्मेट आपका FOB प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है, कुछ अदर एक्सपेंसेस है। तो पहले कस्टम्स FOB निकाल लो, उस पर फ्रेट इंश्योरेंस ऐड करो, इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करो, ये आपकी असेसिबल वैल्यू आ जाती है। असेसिबल वैल्यू को एज इट इज सबसे पहले इस फॉर्मेट के अंदर हम लिख देंगे। असेसिबल वैल्यू अभी चैप्टर के जब क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर तो आपको असेसिबल वैल्यू दे रखी होगी,
कि आप इस पर सिर्फ टैक्स फाइंड आउट कीजिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी सारी, एफओबी, फ्रेट इंश्योरेंस, कस्टम्स ड्यूटी की रेट्स वगैरह सब कुछ। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एसेसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी, वही हमारा पिछले चैप्टर वाला फॉर्मेट, उससे हम एसेसिबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको इस फॉर्मेट में रखेंगे। एसेसिबल वैल्यू सबसे पहले हम पॉइंट ए के अंदर लिख देंगे, फिर उस पर सबसे पहले चार्ज होगी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, जो भी रेट आपको दे रखी होगी, एसेसिबल वैल्यू ए इंटू रेट। यहाँ जो मैंने लिख रखे ना ए बी सी डी जो भी है वो ये वाला है, क्वेश्चन में एग्जाम में आप लिखो, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ समझने के लिए, इन चीज़ों को याद रखने के लिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लिखा है। ए इंटू रेट, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी किस पर लगेगी, असेसिबल वैल्यू पर, शुल्क योग्य मूल्य पर, जो भी रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, 10% दे रखा है, 10 लाख का 10 लाख इंटू 10/2, सो आप कैलकुलेटर को हम यूज़ करते हैं तो 10 लाख का 10% सिंपल निकाल लेंगे, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी आ जाएगी। उसके बाद सेकंड टैक्स कौन सा लगेगा, ये वाला जो क्रम लिखा हुआ ना, इसी क्रम में टैक्स लगेंगे। एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी सबसे लास्ट में लगेगा, ये सारे चारों टैक्स लगने हैं। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के बाद में आपका सीवीडी लगेगा, क्या लगेगा, सीवीडी। तो सीवीडी किस पर चार्ज होगा, तो हम सी पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ सीवीडी, यानी कि वो अमाउंट जिस पर कि हमें सीवीडी चार्ज करना है। तो किस किस पर लगता है सीवीडी, एसेसिबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, इन दोनों के टोटल पर सीवीडी चार्ज होता है। देन ए प्लस बी करा हमने, या आगे वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ सीवीडी, या फिर वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। इसके बाद हम चार्ज करेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी सीवीडी किस पर, तो जिस वैल्यू को हमने इसके लिए फाइंड आउट किया, ये हमारे पॉइंट सी के अंदर, सी पर जो भी पर्टिकुलर रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, उस रेट से हम क्या कर लेंगे, सीवीडी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास सीवीडी आ जाएगी। उसके बाद हम चार्ज करेंगे यहाँ पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, SWS, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ SWS। पहले हमें क्या करना है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज किस पर लगाना है, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या है, टैक्स ऑन टैक्स है ना, कौन कौन सा टैक्स लग गया आपका, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लग गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लग गया, दोनों को ऐड करो। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी बी पॉइंट में, काउंटर वेलिंग ड्यूटी डी पॉइंट में, दोनों को ऐड किया, इन दोनों के टोटल हो गए वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ सोशल वेलफेयर सरचार्ज। और इस वैल्यू पर अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाके क्या करेंगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज चार्ज करेंगे। पॉइंट ई में हमने वैल्यू लिखी है, इस ई पर जो भी आपकी रेट दे रखी होगी क्वेश्चन में, या फिर 10%, वो आप सोशल वेलफेयर सरचार्ज यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अब कौन सा टैक्स बचा हमारा, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि किस वैल्यू पर ये स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी चार्ज होगी। तो स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी चार्ज होती है असेसिबल वैल्यू, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, सीवीडी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अभी तक जो कुछ भी है आपका, जितने भी टैक्स आपने चार्ज कर दिए हैं और जो भी आपका असेसिबल वैल्यू है, उन सब के टोटल पर क्या होगा, ये आपका स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी चार्ज होता है। देन स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी ए प्लस बी प्लस डी प्लस एफ, ए असेसिबल वैल्यू, बी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, डी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंड एफ सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो इन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी चार्ज करेंगे एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। तो ये हम चार्ज करेंगे जी पर जो भी आपकी रेट होगी, रेट नहीं दे रखी है क्वेश्चन में तो हम 4% के रेट से लेते हैं। और उसके अलावा अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी के पर्पज से ये गुड्स एग्जेम्प्ट है, तो फिर ओके हमें चार्ज नहीं करना है। ये स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी अगर है तो हमने चार्ज कर दी। फिर हम यहाँ लिखेंगे लास्ट में टोटल कस्टम्स ड्यूटी की, कुल मिलाकर सीमा शुल्क हुआ कितना। तो हमने कस्टम्स ड्यूटी के नाम पर क्या क्या दिया, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी दिया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी दिया, सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे किया, और स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी दिया। इन चारों की टोटल लगा लो, बी डी एफ और एच, ये आपकी आ जाएगी टोटल कस्टम्स ड्यूटी। और लास्ट में अगर आपको क्वेश्चन का टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट पूछा हो कि आयात की कुल लागत क्या रही, तो आयात में जो आपने गुड्स खरीदे हैं, एसेसिबल वैल्यू जो आपकी थी वो तो लागत है ही है, उसके अलावा और लागत क्या हो गई है आपकी, ये जो कस्टम्स ड्यूटी पे करनी पड़ी। देन ए प्लस आई मीन्स असेसिबल वैल्यू प्लस टोटल कस्टम्स ड्यूटी, ये होती है आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं कस्टम्स ड्यूटी की, समझ में आई चीज़। तो ये कब है, जब ऐसे गुड्स के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है जिन पर कि GST लागू नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स भी हैं, या फिर अब तो लगभग सारे गुड्स ऐसे ही हैं जिन पर कि GST अप्लाई हो जाता है, GST एप्लीकेबल है। तो ऐसे केस में फॉर्मेट में कुछ चेंज आएगा। अब वो चेंज क्या होता है, तो फॉर्मेट यहाँ पर नया हमारा बनेगा, ये हमारा सेकंड फॉर्मेट है। GST जब एप्लीकेबल है तो उस केस के अंदर आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे टोटल कस्टम्स ड्यूटी की। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस केस में कौन कौन से टैक्स लगने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका वही है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD, अभी हमने इसको समझा है क्या होता है। सेकंड SWS,
सोशल वेलफेयर सरचार्ज देन, ओके ये भी हमने अभी समझ लिया है क्या होता है। फिर आता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदी में हम इसे कहते हैं एकीकृत माल एवं सेवा कर। तो GST के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, जो इम्पोर्ट होता है उसे इंटरस्टेट सप्लाई अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाता है। इसको डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे GST वाले टॉपिक्स के अंदर। तो जो भी इम्पोर्ट होता है उस पर क्या लगता है, IGST चार्ज होता है। GST जो चार्ज होता है ना वो IGST के नाम से होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका एक चार्ज होगा। फिर लास्ट आता है आपका GST सेस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेस लगता है तो ये चार्ज होगा। तो ये चारों तरीके के टैक्स यहाँ पर चार्ज होंगे। पहले CVD SCVD लगता था, लेकिन अब क्या हो गया है, IGST और GST सेस हो गया है। GST सेस हर एक ट्रांजेक्शन पर या सभी गुड्स पर लगे, ये ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन में आपको बोला रहेगा कि GST सेस लगाना है, तभी हमें GST सेस चार्ज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब इसका फॉर्मेट हम समझ लेते हैं कि अगर GST वाला क्वेश्चन है तो हमें किस तरीके से हमारी कस्टम्स ड्यूटी को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वो ही एसेसिबल वैल्यू लिखेंगे और सेकंड हम उसके बाद बेसिक कस्टम्स ड्यूटी फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी एसेसिबल वैल्यू इनटू रेट, जो भी क्वेश्चन में आपको रेट दे रखी हो, उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ चार्ज करेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज। क्या चार्ज करेंगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये तो सरचार्ज है, टैक्स पर लगता है, टैक्स ऑन टैक्स। यहाँ पे टैक्स कौन सा है, सिर्फ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। तो इस बेसिक कस्टम्स ड्यूटी पर हम क्या कर देंगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज को चार्ज कर देंगे, जो भी आपकी रेट होगी उसके हिसाब से। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज वहाँ पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी प्लस काउंटर वेलिंग ड्यूटी की टोटल पर लगा था, लेकिन यहाँ पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज सिर्फ और सिर्फ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी पर चार्ज होगा। देन बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो भी आपकी अमाउंट आई है वो इनटू रेट ऑफ सोशल वेलफेयर सरचार्ज, या हमारा सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो गया। इसके बाद हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पर कि हमें IGST या फिर GST सेस लगाना है। दोनों सेम वैल्यू पर लगेंगे, जिस वैल्यू पर IGST लग रहा उसी वैल्यू पर GST सेस भी लगेगा। तो वो वैल्यू होती क्या है, तो वो वैल्यू होती है इन तीनों की टोटल, असेसिबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम्स ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, दैट इज वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ IGST एंड GST सेस। दोनों एक ही वैल्यू पर लगेंगे और वो वैल्यू क्या होती है, टोटल ऑफ एसेसिबल वैल्यू बेसिक कस्टम्स ड्यूटी एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो ये हमारे पास आ गई। उसके बाद हम चार्ज करेंगे IGST अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 7। ये क्या है, कस्टम्स ड्यूटी टैरिफ एक्ट जो आपका है ना, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, एक अधिनियम बना हुआ ना, उसकी ये सब सेक्शन है, उसके सेक्शन और सब सेक्शन है। तो ये 3 सब सेक्शन 7 हमारा जो है वो हमारे IGST के लिए है, और वो बोला गया है कि IGST आपको इस वैल्यू पर चार्ज करनी है। देन हमने वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली, डी पॉइंट में लिखा है, उस पर जो भी आपकी रेट है वो रेट अप्लाई करो, ये आपके पास आ जाएगी IGST। और उसके जस्ट बाद हम लगाएंगे GST सेस, इफ एनी। अगर क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन है कि GST सेस आपको चार्ज करना है, देन ओके GST सेस अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 ऑफ कस्टम्स ड्यूटी टैरिफ एक्ट। तो वहाँ पर आपके डी वाले पॉइंट में जो वैल्यू है उसी वैल्यू पर आपकी GST सेस भी चार्ज हो जाएंगे, जो भी रेट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। टोटल कस्टम्स ड्यूटी, देन हमने क्या क्या पे किया, हमने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी दिया, हमने सोशल वेलफेयर सरचार्ज, हमने IGST, हमने GST सेस का पेमेंट किया, चार टैक्स, चारों की टोटल लगा, ये हमारी टोटल कस्टम्स ड्यूटी। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट, आयात की कुल लागत कितनी रही है, देन असेसिबल वैल्यू हमारी जो हमने फाइंड आउट करी है क्वेश्चन में, या तो गिवन हो गया हम कर लेंगे, हमने सीखा हुआ एसेसिबल वैल्यू कैसे निकाला। और फिर हमने ये जो चारों टैक्स पे किए, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, IGST और GST सेस, इन चारों की टोटल हमने यहाँ लिखी है पॉइंट एच में, देन ए प्लस एच, ये आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट। तो ये रहा हमारा चैप्टर, छोटा सा ईजी चैप्टर बिल्कुल। ये फॉर्मेट आपको दो याद करने हैं और इन चीज़ों को समझ लेना है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होगी जो आगे हमें ध्यान देनी है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उन कॉन्सेप्ट्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। बेसिक और मेन जो है यहाँ पर, ये दोनों फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। अब हमें कौन सा फॉर्मेट लगाना है, मतलब दो फॉर्मेट हमने अलग अलग पढ़े ना, एक में CVD SCVD लग रहा है, एक में IGST GST सेस लग रहा है। तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देख के आपको ये पता चल जाएगा, क्वेश्चन में CVD की इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको IGST दिया हुआ है तो हम IGST वाला फॉर्मेट लगेंगे। तो जो भी क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मेट लगाना है, और उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए आप इन फॉर्मेट्स को अपनी बुक में लिखिए, नोटबुक में लिखिए, वैसे नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। इन फॉर्मेट्स को पढ़िए, समझिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको याद करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के कुछ छोटे बड़े और जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।